हेलो दोस्तों, आपके एक बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं मिडिल क्लास वाले मतलब ये होता है कि जो 80% स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए खासकर वीडियो बनाया गया है। जो 90-95 लेकर आना चाहते हो तो अपना शेड्यूल बना ही लिए होंगे, और जो 60% लाना चाहते हो वो भी शेड्यूल बना लिए हैं कि मुझे इतने दिन पढ़ना है, कसम खा रखे हैं भैया जी ने। चलिए कोई बात नहीं, बट मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो 80% नंबर कैसे लाएं सभी सब्जेक्ट। क्लास ट्वेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर विषय है, यहाँ पर विषय का नाम लिख देंगे, यहाँ पर थ्योरी जानते हो क्या होता है ये बताता हूँ, और प्रैक्टिकल क्या होता है, जो आपके स्कूल की तरफ से मिलता है वही प्रैक्टिकल होता है। तो स्कूल की तरफ अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वैसे होता भी है 30 नंबर का, तो 30 में 28-29 तो दे ही देगा, 27 नहीं देगा यार, कभी नहीं देगा, 28 नंबर देगा। तो चलिए विषय की तरफ मैं बढ़ता हूँ। विषय पहला हम ले लेते हैं हिंदी, ठीक। पहला हिंदी ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ गणित। पहले सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, दूसरा क्या ले लेता हूँ, गणित ले लेता हूँ, और तीसरा मैं ले लेता हूँ अंग्रेजी। अब रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान, सॉरी अभी बायो के लिए अलग बताऊंगा मैं ना, आप ध्यान समझिएगा। अब इसमें हिंदी है, सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। तो हिंदी में थ्योरी ही आता है समझ लो, यानी कि 30 नंबर प्रैक्टिकल नहीं मिलता है इसमें, क्लियर हुआ बात ना। तो थ्योरी यदि आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 86 नंबर अगर लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हिंदी में कितना टारगेट करके चलना है, 86 नंबर। आप देखिए मैथ भी 85 लेकर टारगेट चलिए, मुझे मैथ में 85, 100 में टोटल कितना है 100, इसमें 100 में कितना ला रही हो, 86 ला रहे हो, इसमें 100 में कितना ला रहे हो, 85 ला रहे हो, इसमें अंग्रेजी में 100 में कितना ला रहे हो, मान लेते हैं इंग्लिश में कम है, आप कमज़ोर है थोड़ा, 80 ला रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए रसायन विज्ञान, किसमें रसायन विज्ञान कितने नंबर का होता है, पहली बात तो 70 नंबर का, लेकिन मैं अगर 100 नंबर जोड़ूं और 28 नंबर यहां से ले लूं, क्लियर, 28 नंबर स्कूल की तरफ से मिल गया। अगर इसमें से आप रसायन विज्ञान से अगर 58 नंबर लाते हैं और 28 नंबर अभी मैं इंक्लूड करूंगा, ऐसे भौतिक विज्ञान भी मैं 100 जोड़ ले रहा हूं, और इसमें जो है आप क्या कर रहे हैं, 58 है ये है, इसमें मान लेते हैं आप 55 नंबर ला रहे हैं, इसमें और कमज़ोर है आप, और इसमें भी 28 नंबर मिल रहा है। अब इसको इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे इसे, देखते हैं कितने नंबर का होता है। सॉरी यार डिस्टर्ब हुआ थोड़ा ट्राईपैड, कोई बात नहीं है ना, सॉरी। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, हिंदी मान लेते हैं कोई स्टूडेंट 100 में 86 लाता है, ऐसे गणित में 85 लाता है, अंग्रेजी में 80 लाता है, रसायन विज्ञान में 58 लाता है, भौतिक विज्ञान में 55 लाता है, और ये 28 नंबर। अब मैं पूरा इंक्लूड करूँगा, यानी कि पूरा ऐड करूँगा। अब पूरा ऐड करने में कितना आता है आप देखते हैं, 6 5 11 हो गया, मैथ के लिए हम जोड़ेंगे 6 5 11 11 8 19 19 1 20 4 24 के 4 हासिल दो, 8 8 16 8 3 24 25 26 26 4 30 31 31 36, ये टोटल कितना नंबर हुआ, 364। अब इसको जोड़ेंगे 8 8 16 2 2 4 1 5, यानी कि 56 है, यानी कि इसको जब इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 420, कितना हो जाएगा 420। तो पांच सब्जेक्ट होते हैं, जब 5 से हम भाग देंगे 420 में, 5 8 40, 2 5 4 20, तो आपका टारगेट कितना है, 84% तक लगभग आया है, कितना आया है टोटल 84, अगर यही टारगेट बनाकर लेकर चलेंगे आप, ठीक, 84% आपका आएगा, क्लियर हुआ। ये रहा मैथ्स वाले स्टूडेंट के। अब मान लेते हैं मैथ अगर इनका हम काट देता हूँ और ले लेता हूँ यहाँ से बायो, यानी कि जीव विज्ञान में मान लेता हूँ 100 में आप 55 नंबर लेकर आए हो, और इसमें भी प्रैक्टिकल का कितना मिला है, 28 नंबर, तो इनको भी इंक्लूड करने पर शायद 334 आएगा ना, हाँ 334 आएगा, तो इसमें भी भाग देंगे तो वही लगभग आएगा। तो इस तरह यदि आप तैयारी करते हैं
तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आएंगे, तहलका मचा कर आएंगे, गर्दा मचा देना इस बार। तो बोर्ड एग्जाम इस बार तहलका गर्दा मचा देना है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आप अपना टारगेट नहीं बनाए तो टारगेट जरूर बना लें, अभी भी मौका है, मौका है, मौका है, कर लो, अभी चांस है भाई मेरे, कर लो, अभी भी चांस है, पढ़ लो, ज़्यादा दिन समय नहीं है, अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी फोड़ सकते हो, अभी भी टॉप कर सकते हो, अभी भी नंबर ला सकते हो। तो बस यही मोटिव है, लगातार मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, हर एक दिन हर एक वीडियो दूंगा। क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का सब्जेक्ट चल ही रहा है, इसके अलावा मैं बता दूँ मोटिवेशन संबंधी जिस प्रकार से मैं दे रहा हूँ, इसी प्रकार से एक वीडियो मैं डेली प्रयास कर रहा हूँ देने का इस चैनल पर, आपकी अतुल स्टडी सेंटर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता, याद फैला देना है यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद।